जारी रहेगा। नमस्कार। अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। वहीं प्रयागराज में सिख समुदाय के सभी सदस्यों ने सिखों के तीर्थ पक्की संगत में गुरुवाणी का आयोजन किया। प्रयागराज में सिख समुदाय के लोगों ने एक एक दिए जलाकर प्रकाश का पर्व भी मनाया। इस मौके पर महिला सिख सभा की अध्यक्ष ने भी पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर शुभकामनाएं दीं और कहा कि ये बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे प्रदेश के अयोध्या धाम में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ हुई। ग्रंथ साहिब जी में 6344 बार हरि का नाम आया है और 2163 बार राम का नाम आया है, तो अगर राम के मंदिर को राम मंदिर बना उस पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है तो हम सिख से बहुत प्रसन्न हैं। अयोध्या में 550 वर्षों बाद जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, जिसमें देश ही नहीं पूरा दुनिया की लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, उसी को देखते हुए गुरुद्वारा साहब में एक विशेष दीवान लगाया गया था जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चला है और उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के गुरुवाणी का पाठ हुआ। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले अलाए, कोई किसाए, इसका पाठ हुआ। और सिखों के लिए बहुत आज गर्व का दिन है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सबसे पहले मुक्ति संग्राम किया था और वहाँ स्वतंत्रता का दीप जलाया था और वहाँ श्री राम की पूजा अर्चना हो रही थी कि सैकड़ों वर्ष से जो चीज़ कोई सरकार नहीं कर पाई वो इस सरकार ने किया। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में भी सिख समुदाय में काफी जोश देखने को मिला। सिख समुदाय के लोगों ने गुरुवाणी की और शोभा यात्रा निकाली। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर जगह खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के जालौन में सिख समुदाय के सदस्यों ने गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया और खूब हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर जगह खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पंजाब में भी कई जगहों पर सिख समुदाय के सदस्यों ने गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया और राम मंदिर स्थापना का जश्न मनाया। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल ने भी भाग लिया। अयोध्या में हुई श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में भी लोगों ने देखा। इसी सिलसिले में जिले के बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक के अंतर्गत आते वाले ऐतिहासिक व धार्मिक तीर्थस्थल श्री रामकुंड सीलमा में भाजपा के पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा द्वारा लोगों के लिए श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सीधे प्रसारण का आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के क्षेत्र के कई लोगों ने परिवार सहित इसमें भाग लेकर इस पवित्र काम के वो साक्षी बने। इस अवसर पर हवन यज्ञ व भंडारे का भी आयोजन किया गया था। वहीं इसके साथ साथ जिला भर में इस शुभ अवसर पर जगह जगह लंगर भी लगाए गए थे। पश्चिम से लेकर पूरब तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक ही